तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यतनशील होना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके सामने दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जतिन्द्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों की स्थापित कर दिया और विद्यावधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्मों में लगाया। मुनि तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुड़ दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही कर्म कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि से जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे संपत्पात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया है। उसके गले में पड़कर यह ऐसा प्रतीत होने लगा है मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो इस जिससे पल कर बड़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो, तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ, तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष तथा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके। भगवान शंकर उद्रवेरता हैं, उनके वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रसखलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री से पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परम परमेश्वर शिव के आसाग्रह करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बना की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो।
मैं उस दैत्य को स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुमसे इससे छोटे सा छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के लिए बाद में शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शौनितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे ही काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए।